नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मार्च मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। 5 राज्यों के चुनाव के कारण 137 दिनों से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपये का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 949.50 रुपये में मिलेगा। वही पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.47 प्रति लीटर हो गई है। बात श्रीगंगानगर जिले की करें तो यहां 933 रुपये में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर अब 983 रुपये में मिलेगा। वही कमर्शियल गैस सिलेंडर 2095 रुपये का मिलेगा। वही श्रीगंगानगर में पेट्रोल 112.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.03 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने लड़कियों के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने वाले को पकड़ा है। देश के तमाम राज्यों में सैकड़ों लोगों को ठगने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। उसकी पहचान जासिम के रूप में हुई है। वह राजस्थान में नू के थाना फिरोजपुर झिरका स्थित बाईखेड़ा गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने इस तरह के फ्रॉड की 300 से ज़्यादा घटनाएं करना को बोला है। पूछताछ में जासिम ने बताया कि वह फेसबुक पर लड़कियों के नाम से आईडी बनाता है, लोगों से फेसबुक पर दोस्ती करके मैसेंजर में चैट करता है, लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें व्हाट्सएप नंबर हासिल कर लेता है। इसके बाद वह सामने वाले व्यक्ति को न्यूड वीडियो कॉल करने के लिए उकसाते और अश्लील रिकॉर्डिंग कर रुपये ऐंठते। यह गैंग पूर्वोत्तर राज्यों की फर्जी आईडी पर मोबाइल सिम खरीदता है ताकि पकड़ा न जाए। वहीं इसी तरह फर्जी आईडी पर बैंक खाते खुलवाए जाते हैं जिसमें ठगी का पैसा लोगों से ट्रांसफ़र करवाया जाता है। अजमेर जिले के आदर्शनगर थाना पुलिस ने रेप के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के ढोंगी तांत्रिक के मोबाइल से कई राज खुले हैं। अजमेर की जांच में सामने आया कि राजेंद्र कुमार खुद को भगवान बताता था, कहता था वह भूत को बोतल में बंद कर रखता है, फिर मृत्यु दोष और भूत का साये के नाम पर लोगों को डरा धमका कर उनकी बहु बेटियों से रेप करता, तांत्रिक सट्टा व जुआ भी लगाता था, नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। इतना ही नहीं, वह खुद 5वीं फेल है, लेकिन बीमारियों का शर्त इलाज करने का झांसा देकर लोगों से रुपये ऐंठता था। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक जिस परिवार को निशाना बनाता उसके बारे में दूर के रिश्तेदारों से पहले ही सारी जानकारी जुटा लेता था। मंत्रों से भूत को बोतल में बंद करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी बेटी को कमरे में अकेले साथ भेजने के लिए कहता और तांत्रिक क्रिया का नाटक कर दुष्कर्म करता। अजमेर निवासी पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। जयपुर जिले के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हो गया। ट्रक की अचानक लाइन बदलने से एक स्कूटी चपेट में आ गई। हादसे में स्कूटी सवार मां की मौत हो गई जबकि घायल बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में जगदम्बा कॉलोनी निवासी सुमन खंडेलवाल की मौत हो गई। गंभीर घायल हालत में बेटी पारुल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार के सदस्य बेटे अभिषेक का बर्थडे मनाने के लिए खाटू श्याम जी जा रहे थे। काफी प्रयास के बाद भी कार नहीं मिली तो 2 स्कूटी पर सवार होकर घर से निकले। एक स्कूटी पर माँ बेटे सुमन व पारुल और दूसरी स्कूटी पर पिता बेटे गोपाल व अभिषेक और बहनोई राकेश थे। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र में स्कूटी से कॉलेज जा रही 2 युवतियों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। स्कूटी सवार एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर ट्रेलर को जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार बालोतरा शहर में रहने वाली सोनू और पूजा असाड़ा बीएड कॉलेज जा रही थी, इसी दौरान ट्रेलर ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। इससे सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। पूजा का इलाज जारी है, वहीं मृतका सोनू का नाहता अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प लेने वाले एक सरपंच को शराब के नशे में उपद्रव मचाते गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक ढाबे पर शराब के नशे में उपद्रव मचाते हुए सरपंच और उसके साथी को अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि वाटर वर्क्स के पास स्थित ढाबे पर एक कार में बैठे 2 लोग काफी देर से हंगामा कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सखवारा सरपंच मुकेश रावत निवासी रामगढ़ा और उसके साथी महेंद्र दुबे से समझाइश की तो वे लोग पुलिस के साथ भी झगड़ा करने लगे। ऐसे में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मेडिकल करवाया। दोनों आरोपियों को सुबह जमानत पर रिहा कर दिया गया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह से घर लौट रही युवती से 2 युवकों ने सामूहिक रेप की कोशिश की। एक आरोपी को पीड़िता ने भाइयों ने पकड़ लिया जिसे सुबह पुलिस के हवाले किया, वहीं दूसरे की तलाश जारी है।
देर रात लड़की रागापाड़ा गांव से उसके घर आ रही थी, तभी सुनसान इलाके में बदमाशों ने उसका मुंह दबा लिया। एक साइड ले जाकर उसे छेड़छाड़ की, कपड़े भी फाड़ दिए। तभी लड़की के भाई मौके पर पहुंच गए तो उसे शादी समारोह से लेने जा रहे थे। इसी बीच एक बदमाश वहां से भाग गया, जबकि दूसरे को भाइयों ने पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी नीलेश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी ढुल्ला की तलाश की जा रही है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने नीम के पेड़ पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पेड़ पर गमछे से फंदे से युवक का शव झूलता देखा तो गांव के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर मृतक के फोटो शेयर कर पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने घटना के हर पहलू पर बारीकी से जाँच शुरू कर दी है। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र में शराब के नशे में 23 साल का लड़का 50 फीट ऊपर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। हिंदी फिल्म शोले के सुपरस्टार धर्मेंद्र के स्टाइल में उसने शादी न करवाने पर टावर से कूदने की धमकी दी। बोला, शादी नहीं हुई तो मर जाऊंगा, मैं बस मरना चाहता हूं। करीब 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ने नीचे उतारने के बाद उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पाली के वायद गांव का रहने वाला महेंद्र शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसके पीछे पीछे परिवार और गांव के लोग पहुंचे। समझाने पर भी युवक नीचे उतरने को राजी नहीं हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे बाद नीचे उतरने पर राजी हुआ। पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के खोड़ गांव में 15 साल के बालक ने घर के बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। इतनी छोटी उम्र में बालक द्वारा फांसी लगाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस व परिजनों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि खोड़ गांव निवासी मृतक 15 वर्षीय रोहित के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। उसने घर के बाथरूम में जाकर उसने फंदा लगा लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। रोहित ने आत्महत्या क्यों की, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।